हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइज। आप देख रहे हैं ग्राफिक्स फैक्ट कुलदीप यादव के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्मज टूल यानी स्मज ब्रश टूल होता क्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट के आउटलाइन से आप इसको उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग, मतलब माउस को ड्रैग करके। ठीक है, तो चलो चलते हैं एक बार बना करके ट्राई करते हैं। तो मैंने एक बॉक्स लिया और ये टूल्स मैंने लिया, स्मज टूल, स्मज ब्रश टूल। अब मैं ये कह रहा है कि ड्रैग करेंगे लाइन पे, तो ये कुछ इफेक्ट देगा। हाँ, सही बात है कि ये कुछ इफेक्ट दे रहा है। मैं ऊपर से अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये माउस जितना ड्रैग मैं करूँगा माउस लेफ्ट क्लिक करके, तो ये कम होते चला जाएगा। अगर मैं अंदर से बाहर करूँगा, ये देखिए अंदर से मैं बाहर करूँगा तो ये थोड़ा सा कट कर रहा है। ठीक है, ऊपर मुके मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, एक तरह से आपका ये कट करके दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, 45 के कितना। ठीक है, मैं इसमें कर रहा हूँ 45। ठीक है, 45 हो गया। चलो देखते हैं क्या है, ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे देखें कुछ उसके ऑप्शन घूम रही है। अब यहाँ पे देखें ये ड्राई आउट दे रखा है। अब ड्राई आउट का मतलब क्या होता है, अभी आप देखें आपने जो ये ऑप्शन किया है, ये इतना पे ये ड्राई पर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये 10 कर दिया, तो यहाँ पे देखें कुछ अलग शेप में बनने लगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंजिंग रहता है। और यहाँ पे कुछ दिया है नेप साइज, चेंज साइज ऑफ द नेप ऑन द टूल। तो ये अभी देखें 0.5 है, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है, मैं इसको 2 कर रहा हूँ, 2 इंच। तो आपकी जो माउस का कर्सर है, ठीक है, तो वो इसके कर्सर को और बढ़ा देगा। ठीक है, ये देखो, ये देखें, ये 0.5 था। ठीक है, तो आपका ये शेप चल रहा था, मैंने 1-2 इंच कर दिया, तो इसकी माउस कर्सर की साइज ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये अभी देखिए माउस कर्सर की ये साइज ज्यादा बढ़ गया था। अभी आप देखें कि कभी कभी आप गूगल पे खोजते होंगे कि इस टाइप के टेक्सचर, तो ये टेक्सचर एक बन गया। और आप इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ छोटा, और एक और ले लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा ड्रैग, माउस लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया। और यही टूल्स मैं दोबारा लेता हूँ, स्मज ब्रश टूल। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ, लगभग 0.125 एक सूत के बराबर। तो एक सूत के बराबर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। चलो करते हैं, देखते हैं, ये देखे बहुत छोटा हो जा रहा है। तो मैं इसमें करूँगा 1 इंच के कर देता हूँ, 1 इंच में। चलो ठीक है, अभी देखें 1 इंच में मैंने जो जो किया था, तो
ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा ये देखें, मैंने 1 इंच पर किया था तो बहुत बड़ा ये ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं इसको भी ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें तो स्मज टूल आपको बहुत काम में आता है कि अगर इस टाइप के टेक्सचर अगर ढूंढ रहे हैं तो आप टेक्सचर खुद यहीं पे आप खुद अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स ये टेक्सचर बनाने में काम कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप स्मज टूल ब्रश टूल का ही प्रयोग किए थे तो आपका ये देखे ये अच्छा सा ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो आई थिंक आप स्मज ब्रश टूल आप समझ गए होंगे। तो आप ट्राई करें और डेली आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये इसमें आगे दे रखा है, वेरिंग चेंज द वेरिंग इन स्मज ब्रश टूल बाय द स्पेसिफिंग द फिक्स स्पेसिफाइंग द फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई हम बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, और यही टूल्स में ले करके अभी इसमें देखें ये 0 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक। मैंने कुछ ट्रैक किया और इसमें मैं लगभग 2 के करीब कर दिया, ठीक है। 2-4 में और बढ़ा देता हूँ, लगभग 10-15 जितना भी। आपके जो माउस का जो कर्सर है अभी आप देखेंगे कि आप ये थोड़ी सी अंडाकार तो है लेकिन ये तिरछा हो गया है, यानी कि ये आपकी एंगल बता रहा है कि माउस के कर्सर का एंगल कि आपका किस टाइप में रहना चाहिए ताकि आप उस शेप में आप टेक्सचर को बना सकें, ठीक है। ये देखिए इसकी शेप ऐसे गया है ऊपर मुखी, ठीक है, और इसकी शेप देखें थोड़ी सी राउंडेड, थोड़ी सी तिरछा, ठीक है। तो मैं एक और बना करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो गोला वाला ले लेता हूँ, एलिप्स टूल कंट्रोल दबाया और मैंने ड्रैग किया और यही टूल्स में ले करके और यहाँ पे देखें 23 है, यानी 23 एंगल पर ये है। अभी देखें ये आपकी जो माउस के कर्सर है मैं जो हिला रहा हूँ देखो ये हिल रहा है, तो ये आपका ये 23 एंगल पर है। मैं यहाँ पे 90 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें माउस का कर्सर आपके 90 डिग्री पर, ये आप जो देख रहे हैं ये 90 पर है, जो देखो आप हिल रहा है ना यही आपका माउस का कर्सर है और ये टूल्स का यही टूल्स है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर हो गया है और आप इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो 90 डिग्री पर ये आपका ये पोजीशन बता देगा, ठीक है, और ये आपका उसी टाइप का वर्क करके दे देगा, ठीक है। ये देखें और मैं एक और करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो इसमें 90 है, इसमें 90 की जगह में 45 कर देता हूँ, तो ये देखो 45 के अंश पर ये हो गया, ठीक है। तो ये 45 के अंश पर ये काम करेगा, ठीक है। ये देखो अगर मैं बाहर से अंदर ले रहा हूँ तो ये अंदर में भी जाएगा, अंदर से मैं बाहर ले रहा हूँ, देखो अंदर से मैं बाहर ले रहा हूँ तो ये बाहर जाएगा, ठीक है। ये देखें मैं एक और ले लेता हूँ, इन सारे को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखें बहुत सारे ऑप्शन मैंने बना रखा है और एक और ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ पॉलीगन को, कंट्रोल दबाया और इसमें मैं अभी देखें
अगर बाहर से लेके आएंगे तो ये अंदर मुखी लेके जाते जाते ये पतला होता जाएगा, अगर अंदर से बाहर लेके जाएंगे तब ये बाहर पतला होके चला जाएगा। ठीक है, इसका यही ऑप्शन है। अगर आप बीच से ले रहे हैं तो ये अंदर मुखी लेके जाएगा, अगर थोड़ा सा बाहर से लेंगे तब ये अंदर जाएगा, और अंदर से लेंगे चीने के अंदर से तब ये बाहर जाएगा। ठीक है, बस इसी में थोड़ी सी समझना आपको दूरी है कि नजदीक से करेंगे तो ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो मैं सारे को एक ही कलर में कर देता हूँ। तो ये देखें आपके टेक्सचर टाइप का आपको बन गया बैकग्राउंड में, जो जो आप आइकन डालते हैं या फिर टेक्सचर ऐड करते हैं तो आप गूगल पर ढूंढते रहते हैं, तो ये आप खुद बना सकते हैं। तो आप ट्राई करते रहें और डेली वीडियो देखते रहें, इसको जब तक एक बार दो तीन बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो सो आप डेली एक वीडियो देखें और इसको दो तीन बार रिपीट करें, ट्राई करें। ठीक है, और ये ऐसा मत करें कि आप एक ही वीडियो सारे वीडियो देख करके आप समझ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, तो आप डेली एक ही वीडियो देखा करें। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो में आपको ना कुछ समझ में आया तो आप खैर कमेंट करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ कमी बेसी हो तो आज और कमेंट भी करें। कैसी लगी वीडियो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।